एक खास तौर पे रक्षा मोड़ तू मेन रोड जरा थोड़ा लिंक आना पे थोड़ी बस्ती के अंदर दाखिल थी ना पे जरूर जो करीम वाले तू भी एक लिंक रोड निकलता पे वो भी थोड़ी बस्ती को मिले नहीं इन्हें तो कोई हाल कह नहीं है हमारे नाल ये मुंतखब नुमाइंदे ने कोई इन उत्ते खास या इलाकाई नुमाइंदे ने कोई इन उत्ते खास आवाज़ नहीं उठाई बच्चे ने आवाज़ उठाई लेकिन सारे नुमाइंदे जरे हैं नहीं छोड़े बड़े सरकार थे वो कोई खास दिलचस्पी थी ना तो ये भी लागे बिल्कुल पढ़वाए ना नाजरीन ई टाइम अस मौजूद हैं संजर सैदान के अंदर आशिक हुसैन गिलानी साहब की रिहायशगाह उत्ते ए इलाके की सियासी समाजी और जमींदार शख्सियत ए प्रोग्राम अस दुआ न्यूज़ ऑफिशियल की तरफ रिकॉर्ड करने पे हैं मैं तुहाड़ा मेज़बान सईद अहमद चांदला अज़र खिदमत हाँ अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह क्या हाल है जनाब ठीक हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर ये साकू सब तो पहले ये रसेसो तुआकू मुसलसल तुआडी जिंदगी दे 75 साल दौरान नज़रअंदाज किया वेना पे इन सब तो अहम वजह अहम वजह क्या है सही बस सियासी दौर है मेरे आंदे पे साकू चालक सर जदर अमदद खुश ना होंदे ते माशाल्लाह वो लीडर भी चंगे रह गए सर इत्तेमाई काम बहुत चले तुहाड़े इलाके दे विच कई किस्म का कोई डिवेलपमेंट कोई रोड या कोई खास सोलिंग या मैं तो नहीं नज़र आई कोई खास तब्दीली तो नहीं नज़र आई एम पी ए और एम एन ए होने के बावजूद जवेद अख्तर खान से सोलंगी लगी पी है नाले बनाए ने उन्होंने मेहरबानी तो ये रोड भी चलाने कने तो बन तक ये भी सारे उन्हें बनवा दिता ना मुकम्मल है ना मुकम्मल नहीं थे एक खास तौर पर रक्षा मोड़ तू मेन रोड जरा थोड़ा लिंक आना पे थोड़ी बस्ती के अंदर दाखिल थी ना पे जरूर जो करीम वाले तू भी एक लिंक रोड निकलता पे वो भी थोड़ी बस्ती को मिले नहीं इन्हें तो कोई हाल कह नहीं है हमारे नाल ये मुंतखब नुमाइंदे ने कोई इन उत्ते खास या इलाकाई नुमाइंदे ने कोई इन उत्ते खास आवाज़ नहीं उठाई बच्चे ने आवाज़ उठाई लेकिन सारे नुमाइंदे जरे हैं नहीं छोड़े बड़े सरकार थे वो कोई खास दिलचस्पी थी ना तो ये भी लागे बिल्कुल पढ़वाए ना सुस्ती द्वारे अपने इलाका ही नुमाइंदे अच्छा ये सब आशिक साहब दसो कि आने वाले वक्त कैसी शख्सियत को अवार्ड दसो इलाके की आवाम क्या पैगाम दसो माशाल्लाह से सारे आए बैठे सब कॉलेज रहे चंगे कम कर गए हूँ ही नवाज के आ गए माशाल्लाह कम करे सन असम शुक्रिया अदा कर रहे हैं पहले भी नवाज मुस्लिम रह गए हूँ ही इंशाल्लाह सुना अच्छा ये खास तौर पर पिछले दिन बकायदा नवाज शरीफ इतना पाकिस्तान तशरीफ गए लेकिन उन्होंने तशरीफ आवण के नाल मुल्की हालात महंगाई और बेरोजगारी या दूजे मसायल उत्ते भी कोई खास तब्दीली आसी लाजमी होती थी आए ही खातर कोई तब्दीली आनो तो मुल्क सारा पैसे हाल ही तो महंगाई महंगाई है लेकिन सबसे रेट कम कर लेकिन एक बात नहीं आहिस्ता आहिस्ता थी अल्लाह खैर करे खास तब्दीली अच्छी तब्दीली आने और इलाके का बैंक बोर्ड कितना है कोई है तो आपको मालूम अच्छा इतना मजीद सियात मौाक़े या डेवलपमेंट या दूजे अपना प्राइमरी या गवर्नमेंट हाई स्कूल हो गर्ल्स बॉयज हमारे ना कोई इदारा हो हाई स्कूल ये पे बॉयज है अच्छा लेकिन वो माशाल्लाह चंगा चलता पे कि गर्ल्स स्कूल जो है ना प्राइमरी हद तक है वो भी ठीक है ना अपना आस्ता आस्ता कम चंगा ठीक कर रहे पे अच्छा ज़िरात दे वाले नाल को जाखन चासो जनाब उनी इया वाले नाल के जाहिर है तुम्हारा एक डूम रब्बे दा तकरीबन कम बेश इलाके दे विच अपना लग पाए उन तुम्हारा ज़िरात दे वाले नाल क्या तजर्बा है क्या सारे औसत जरिए बहुत चंगे बहुत चंगे सारा रख बज रहे ये समझ फैशन बाद बनी सकते हाँ जमीन बहुत सरकते है बहुत सरकते है सारी आपने का जितना मेहनत कर सो उतना फल जितना बोल उतना मीठा ये उन्हें वाले ना आशिक हुसैन साहब सब थोड़ा जहाँ ये चीज़ थोड़े जहाँ सवाल बनने दे कि ये खास तौर पर नवाज हुकूमत या नवाज शरीफ दे कट्ठे द्वारा कितने अरसे तो तालुक आना पे वो पहले सारे बुजुर्ग के भी तालुक आए पे सारे भी इन पार्टियां तालुक आए पे अच्छा हाँ
जनाब उन्हें बकायदा दुआ देने पेठे नहीं है वाले नाल के इन्हें कामयाब करे, कामयाबी के बाद जहर सम्राट पहुंचन लग गए सन कौम तक। सर ये दुआ है उठेसन कम करेसन कि असत ये दुआ मुझे उठे चलो आ गए तो ठीक है सारे पुराने लीडर गल नवे नहीं जी। नाजरीन ई टाइम असा मौजूद है से संजर सैदान के अंदर आशिक हुसैन गिरानी साहब की रिहायश गाह उत्ते ये प्रोग्राम असा अन करीब दुआ न्यूज़ ऑफिशियल उत्ते अपलोड करेसू। ई टाइम में थोड़ा मेज़बान सईद अहमद चांदला थोड़े को इजाजत चाहिए। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।